और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल है, जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और नेक ख्वाहिशात। और राइट बॉबी 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 देओल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अरे मुझे आदत पड़ी हुई है ना, अब क्या करें। कोई बात नहीं सर, आप भी शुगर लगा रहे थे, मैं अस्सलाम वालेकुम भी कह देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। नहीं वो मुझे सांस चढ़ी हुई है, सॉरी, मैं एक्चुअली काम पे हूँ, तो अच्छा। मैं नीचे गया हुआ था, मैंने कहा लेना लिया हुआ उन्होंने। वो यार कैसे इनुएंडो ले रहे हो आप, कह रहे हो सांस चढ़ा हुआ। वो नरगिस ने एक दफा कहा हाय मैंने सांस चढ़ा है, तो मस्ताना सर कहता साढ़े नाल तो सांस चंगा। आपने हमजा सोर्सीज और लॉरेंस क्रॉस की डिबेट देखी थी? हाँ, बड़ी क्रिंज वर्दी थी। या आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, लाइक उसने वो एक रैशनल आर्गुमेंट शो करने की कोशिश कर रहा था कि सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ, सर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जो लोग सुन रहे हैं, देखें, हमजा सोर्सेज की उन दिनों में एक लॉरेंस क्राउस के साथ डिबेट हुई थी और एक परवेज हूदबॉय के साथ हुई थी। हाँ। पाकिस्तान में हमजा सोर्सेज पहले कहता होता था साइंस है, कुरान के अंदर साइंस है, लेकिन ये मुसलमानों की जो ये जो इनके लपाड़े इन्होंने छोड़े होते हैं ना, ये इतने एक बगैरत हैं, ये इतने एक फजूल लोग हैं, ये हारने के बाद भी नीचे लिख देते हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, और फ्लडिंग कर देते हैं। इनके ऊपर हमें कोई हिंदू छोड़ना चाहिए जो तो ये इनकी गेम है, ये इनका सलूशन। लेकिन उसका इफेक्ट क्या निकला कि इन दो डिबेटों के बाद हमजा सोर्सेज ने अपनी पोजीशन बदल ली। उसने कहा, उसकी पूरी एक वीडियो पड़ी हुई है कि हमने ये आर्गुमेंट ही नहीं करना कि कुरान के अंदर साइंस है, और उसने बताया कि ये पोजीशन जो हमारी थी वो गलत है कि पहाड़ है तो पता नहीं बिग बैंग है तो पता नहीं क्या क्या है। तो उसने कहा ये हमने करना ही नहीं। वो क्यों कहा उसने, क्योंकि इन दोनों में मुझे याद है परवेज हूदबॉय ने उसे कहा एम थ्योरी लगा हुआ था उसका जी बोलना। परवेज हूदबॉय ने कहा जरा ये आओ ब्लैक बोर्ड पे आओ, मुझे एम थ्योरी ड्राइव करके दिखाओ, बताओ ये एम थ्योरी क्या है। कुछ नहीं पता था मुझे, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं डिसिप्लिन, साइंस एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिसिप्लिन है। मैं क्यों नहीं लोगों को बताता है ये एम थ्योरी ये है तो वो है, तो क्यों नहीं, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट। तो इसमें ये लोग क्यों इस तरह करते हैं, ये करते हैं छोटी छोटी सी बातें निकाल के, एक जुमला निकाल के फिट कर देते हैं। जैसे वो बायोलॉजी की मैंने शुरू में दिखाई थी कि पानी में प्राइमोर्डियल सूप, पानी में लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, तो इन्होंने घुसाड़ दिया वो पानी वाली आयत कुरान की, घुसाड़ दी, बस हो गया, काम हो गया। एक्चुअली मेरा एक बायोलॉजी का टीचर था हाई स्कूल में, और वो गोरा था लेकिन उसने मुसलमान से शादी की थी, तो वो यही कहता था कि मुझे इस्लाम काफी अच्छा लगता है इसी आर्गुमेंट की वजह से, लाइक कि शायद एवोल्यूशन भी है इस्लाम में, लाइक उस टाइम मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन। हाँ, वो गोल मोडोल बात करते हैं ना, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, तो इसका इफेक्ट ये हुआ था कि हमजा सोर्सेज ने तो अपनी पोजीशन ही बदल ली, लेकिन मुसलमान आज तक ये नारे मारते रहते कि हमजा सोर्सेज ने लॉरेंस क्राउस को चुप करा दिया। कोई भी चुप नहीं कराया उसने, लॉरेंस क्राउस ने जो फिजिक्स की चुपेड़े मारी उसके मुंह पे, उसको यानी पता नहीं बगैरती की हद होगी भाई, बगैरती हमें तो नहीं समझ आती कि ऐसी कैसी इन लोगों में इतनी खुल के बगैरती है। तो वो बिल्कुल जबरदस्त डिबेट थी, मैं होता हमजा सोर्सेज की जगह तो मैं डिलीट करवा देता किसी तरह, लेकिन वो सारी बात है उसने, लेकिन उसने पोजीशन बदल ली अपनी। मैंने आपको बताया उस वक्त तक उसकी पोजीशन थी कि साइंस के अंदर फिजिक्स कुरान के अंदर साइंस है, और बाद में उसने कहा नहीं है, तो इससे और क्या चाहिए आपको। एक बात है कि उसने आई थिंक उसने उसी डिबेट में शायद बोला था कि कुरान इज नॉट अ साइंटिफिक बुक, इट्स यू नो इट्स मोर ऑफ अ, उसने कहा था, हो सकता है उसी वक्त उसके जहन में गम गम नहीं चल रही हो कि यार रहते एक और एम थ्योरी खोल लेगा मेरे सामने। तो अब कैसे आप एक साइंटिस्ट के साथ इमेजिन करो, लॉरेंस क्राउस आपके सामने बैठा हुआ, आप उसे बता रहे हो एम थ्योरी क्या है। मैं तो शर्म से डूब मरू अगर मैं किसी फिजिसिस्ट के आगे इस तरह के पंगे मारने लग जाऊं। भाई आपने कोई बात करनी है, आप अपने कुरान के ऊपर बात करो, कॉन्फिडेंस दिखाओ और खोल के सामने उसके आयत रखो। लेकिन इनकी बेचारों की प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो बुक है जिसके अंदर आप एक्सपर्ट भी बन जाए, 10 साल का बच्चा भी एक्सपर्ट बन सकता है उसको पढ़ के, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, कोई खास बात है नहीं। अब फिजिक्स में वो फिजिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिसिप्लिन है, उसको समझने के लिए आपको वाकई बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। कुरान को आप पढ़ें अकेला बैठ के आपको लग पता चलेगा किसी पोंगिया मारी है बीच में।
चले सर चलो, मैंने एक और बात कही कि हमजा ज़ोरदारी जैसे लोग थे ना, लोग हैं ना जिनसे ये फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं, वो बातें करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन सिंपल चीज पे आओ ना कि यार अगर इतनी अच्छी आपकी किताब होती तो इतना समझना क्यों पड़ता हमें कि ये फिलोसॉफिकली ये है वो है, यू नो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसे बस मारी जाते हैं बेचारे। चले सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।